गुलबर्गा जिले के पान शॉप एसोसिएशन की जानिब से एक एहतजाजी रैली तिमापुरी चौक से डीसी ऑफिस तक निकाली गई। हुकूमत की तरफ से सभी पान शॉप्स के ओनर्स के लिए नया कानून निकलने वाला है, जिसके खिलाफ ये एहतजाजी रैली निकाली गई है। पान शॉप के एसोसिएशन के सारे मेंबर्स ने आज सभी पान शॉप को बंद रखकर इस एहतजाज में शिरकत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर ये कानून नाफिज किया गया तो पान शॉप के ओनर्स को काफ़ी दुश्वारियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर ये जानने के बावजूद भी हुकूमत इस तरह का कानून पान शॉप के ओनर्स पर लागू करती है तो सभी पान शॉप के ओनर्स का कहना है कि वो पूरे स्टेट भर में एहतजाज करेंगे। इस खबर से जुड़ी मजीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट पान शॉप एसोसिएशन कलबुर्गी के जानिब से तिमापुरी चौक सरदार वल्लभ भाई सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक हमने एक पुरअमन तरीके से एहतजाज रैली निकाली, जिसमें हमारे कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट के तमाम पान शॉप के लोग अपने अपने दुकान बंद करके अपने दुकानों को बंद करके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और सरकार के को ये मनवी करने हम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के थ्रू आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि आने वाला जो कानून है, जो नया न्यू लाइसेंस पॉलिसी के तहत जो कल होसा लाइसेंस राज्य के तहत जो लाइसेंस के जो कंडीशन रूल्स वो ला रहे हैं, एक भी पान शॉप वाला उसको फुलफिल नहीं कर सकता। इसके खिलाफ पान शॉप के खिलाफ ये कानून बनने जा रहा है। मैं तमाम 224 MLO से कहता हूँ, अपने पार्टी से उठकर इन गरीब लोगों को, पूरे स्टेट में मैं समझता हूँ लाखों लोग पान शॉप का छोटा बिजनेस करते हैं, तमाम लोगों के फेवर में बोले और ख़ासतौर पे कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट पान शॉप एसोसिएशन ये डिमांड करती है कि ऐसे कानून से हमारे जो जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जो 500 हज़ार 2000 का गिराक करते हैं, जिसमें उनको 100-200 रुपये 500 रुपये उनको उसके उनकी पगार गिरती है, वैसे लोग अपने फैमिली को पालते हुए अपने बच्चों को एजुकेशन हेल्थ और तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम सिंगल कभी भी कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट पान शॉप एसोसिएशन कभी भी सरकार से मदद नहीं मांगी, लेकिन सरकार है कि हमारे ही खिलाफ कानून बनाए रही है। इससे मैं सरकार हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट को मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पान शॉप एसोसिएशन पूर्ण तरीके से आज रैली निकाली है, अगर कानून बनाने जाती है तो हम इससे और ज़्यादा उग्र होराटा करेंगे और इससे लाइसेंस की क्या लाइसेंस की क्या 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 कंडीशन है सर? सारे कंडीशन है, एक लिखकर से पान शॉप वालों को क्या तकलीफ होती है? पान शॉप के लिए जो रूल्स हैं उससे भी ज़्यादा रूल्स उसके साथ लाने जा रही है। आपसे मैं हुकूमत से सवाल करता हूँ, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं छोटे टेबल पर पान शॉप छोटे डब्बे में जो पान शॉप का कारोबार करते हैं, वो लोग लाइट का बिल कहाँ से लाएंगे, एग्रीमेंट कहाँ से लाएंगे, टैक्स बिल रिसीप्ट कहाँ से लाएंगे, और बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे ये उसके अंदर रूल्स हैं। आप तमाम मीडिया वाले को भी मालूम होगा ये कानून के ताल्लुक से, ये पूरे 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 हमारे एसोसिएशन के हमारे पान दुकान वालों के खिलाफ है, तो हम इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, और सरकार जो हमारे को कभी भी हम तो यहाँ पर कारोबार करते करते कोई 50-60 साल से भी पान शॉप का कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है, सिंगल कोई स्कीम में पान शॉप को एक सिंगल पैसे की इमदाद नहीं मिली, एक सिंगल पैसे का कोई बैंक से लोन नहीं मिला, फिर भी हमारे खिलाफ ये लोग बनाते हैं। कोविड जैसा पीरियड गवर्नमेंट ने कई एक हमारे कोविड में हमारे ऑटो बिरादरी के भाइयों को और ऐसे कई अलग अलग सेक्शन में कारोबार धंधा करने वाले मेहनत करने वाले लोगों को इमदाद देने का काम किया, लेकिन गवर्नमेंट ये भूल गई कि भाई पान शॉप के धंधा करने वाले लोग भी गरीब होते हैं, अपने फैमिली को कैसा पालेंगे, वो लोग कैसा गुजारा करेंगे, हुकूमत के जहन में नहीं आए। जो भी हुआ हम अपने आपको कर्ज में डालकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं। मैं हुकूमत को फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसा गंदा कानून हमारे खिलाफ कानून ना लाएं और उसको फौरी रद्द करें, और मैं और एक बार ये मीडिया के थ्रू सरकार से विनती करता हूं कि हमारे को भी कोई एक स्कीम में रखकर गरीब लोगों के बारे में सोचकर अगर कोई एक आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आप हुकूमत का वेलकम करेंगे, ऐसे चीज़ों को वेलकम करेंगे और सरकार को हम सर पर बिठाएंगे। ये बात कहते हुए फिर एक बार मैं ऐसे लाइसेंस राज्य कानून के खिलाफ
पूरे एसोसिएशन के पूरे पान दुकान वाले के तरफ से खंडन करते हैं। ना रेवण सिद्धय्य स्थावरमठ अंत ना गुलबर्ग पान शॉप असोसिएशन प्रेसिडेंट नमदे बेड़े नम हर पान शॉप भाई गरीबर जीवन नडस भाला तौंदो कुंतीस दिन नाक ईद नूर रूपये व्यापार मे भाला तौंदे अंतरदी राज्य लेसन्स तेरी अंतर और बेतरी बरबे लेसन्स अल शाप और तेबूद सण व्यापारी हमें मेु और कई आगे अद्वर सलवा ना प्रोसेस तेगी इष्ट नम विन सरकार के लेसन तरबार्थ नम अस्टे नम विनती है सरकार विनती।